दिल्ली नगर निगम के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कुल 134 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक के बाद लिस्ट की घोषणा की है। पार्टी के राजनीतिक मामलों की समिति की लंबी बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। सूची में 60 से अधिक महिलाएं हैं और पार्टी ने एक बयान में कहा है कि 90% टिकट जमीनी स्तर पर काम करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं। बयान के अनुसार MCD चुनाव लड़ने के लिए टिकट के खातिर 20,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने आवेदन किया था। इसमें पहले दिन में पार्टी ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। वहीं इसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के लिए पार्टी की 10 गारंटी भी जारी की है। इन गारंटी में 3 लैंडफिल स्थानों को साफ करना, भ्रष्टाचार मुक्त MCD शामिल है। दिल्ली नगर निगम में 250 वार्ड हैं और MCD चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान कराए जाएंगे और मतों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। गौरतलब है कि दिल्ली में नगर निगम के 250 वार्ड के लिए बहु प्रशिक्षित चुनाव नए सिरे से परिसीमन के बाद यह पहला निकाय चुनाव होगा। यहां 4 दिसंबर को मतदान होगा जबकि वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। वहीं 4 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। लंबे समय से दिल्ली MCD में भाजपा एक छत्र राज कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार केजरीवाल की टीम बाजी मार लेगी। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि लोगों का मानना है कि MCD भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है, जिसमें लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जब से दिल्ली में आपकी सरकार आई है उसका दबदबा कायम है और ये कोई आश्चर्य नहीं होगा कि केजरीवाल कंपनी और टीम अपनी MCD में भाजपा को बाहर कर खुद सरकार बना ले।